As I am a student and your life history teacher Aansa. Today's lecture is about enzymes. हमने अपने सिलेबस के कंटेंट्स में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है उसके जितने टॉपिक्स थे वो कंप्लीट कर ली. अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज ऑफ एंजाइम्स. देन फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एंजाइम? डेफिनेशन क्या है एंजाइम की? एंजाइम जो है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो कि किसी भी रिएक्शन के लिए जिस पीरियड एम इंक्रीज कर देते हैं विदाउट इट सेल्फ बीइंग डिस्ट्रॉयड. एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स व्हिच इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस विदाउट इट सेल्फ बीइंग डिस्ट्रॉयड और ऑल्टर्ड अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्ट. एंड द सब्सटेंस ऑन विच एन एंजाइम एक्ट्स इज कॉल्ड इट्स सब्सट्रेट. एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स हैं क्योंकि जो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि कोई ऐसा सब्सटेंस है जो किसी केमिकल रिएक्शन का रेट को इंक्रीज कर रहा है उसको हम कैटलिस्ट कह रहे हैं. तो जो बायोलॉजी में होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस उनको हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स कहते हैं, जो कि प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली नेचर में और जो कि किसी भी रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर देते हैं विदाउट इट सेल्फ बीइंग डिस्ट्रॉयड. और जो सब्सटेंस भी वो जो रिएक्शन होता है जिस पे वो एंजाइम एक्ट कर रहा है वो दूसरे कंपाउंड के साथ जॉइन कर रहा है और वो रिएक्शन को कंप्लीट कर रहा है वो जो है सब्सटेंस उसको हम सब्सट्रेट कहते हैं. नाउ द केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स. व्हाट आर एंजाइम्स केमिकली? व्हाट आर एंजाइम्स? आर एंजाइम्स आर प्योर प्रोटीन्स. कुछ एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन में है वो आर एनिमल मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी एंजाइम्स की तरह ही फंक्शन करते हैं. प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन कंपोनेंट, वो जो कंप्लीट जो फंक्शनल यूनिट है जिसको एंजाइम कह रहे हैं उसमें दो पार्ट्स हैं, एक प्रोटीन पार्ट है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट है. तो नॉन प्रोटीन पार्ट वो एंजाइम के साथ तो उसके फंक्शन में इसकी हेल्प करते हैं. बट बेसिकली जो एंजाइम है वो प्योर प्रोटीन है नेचर. बेसिकली एंजाइम्स आर प्योर प्रोटीन. जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है वो वैसे एंजाइम उसके फंक्शन में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली एंजाइम्स जो हैं जो इंडिपेंडेंटली ही एक्ट करते हैं वो प्रोटीन होते हैं. तो प्रोटीन कंपोनेंट जो एंजाइम का उसको हम एपो एंजाइम भी कहते हैं और जो नॉन प्रोटीन है उसको वो फैक्टर है वो को एंजाइम है कोई सर्टिक ग्रुप होता है जिससे अटैच होता है. तो जो कंप्लीट जो फंक्शनल यूनिट बनता है उसको हम होल एंजाइम कहते हैं, जिसमें प्रोटीन पार्ट भी होता है जिसको हम एपो एंजाइम कह रहे हैं और नॉन प्रोटीन कंपोनेंट इसके साथ अटैच होता है. तो कंप्लीट जो बनता है यूनिट डेट इज होल एंजाइम. प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम. द नॉन प्रोटीन पार्ट में भी फैक्टर कोएंजाइम और सिंथेटिक ग्रुप. एंड प्रोटीन कंपोनेंट प्लस नॉन प्रोटीन कंपोनेंट मेक्स द होल एंजाइम जो कि फंक्शनल यूनिट है और वर्क करेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन पर. तो उसमें प्रोटीन पार्ट भी होगा और नॉन प्रोटीन भी होगा जो कि हेल्प कर रहा है उसके फंक्शन में. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं? एंजाइम्स को सिक्स क्लासेस में डिवाइड किया गया कि अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द रिएक्शन. तो वो जैसा रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग ही उसका एंजाइम है उस पर एक्ट कर रहा है. जो तो सिक्स क्लासेस हैं, फर्स्ट इज ऑक्सीडोरिडक्टेज, सेकेंड इज ट्रांसफरेज, थर्ड हाइड्रोलिसिस, देन लाइएजिस, आइसोमेरेजिस एंड लाइपेजिस. नाउ फर्स्ट जो कैटेगरी है, फर्स्ट क्लास जो है जिसमें एंजाइम्स को किया गया डिवाइड, डेट इज़ ऑक्सीडोरिडक्टेजिस. ऑक्सीडोरिडक्टेजिस को हम एंजाइम्स को हम कह रहे हैं दीज आर कॉल्ड रिडॉक्स एंजाइम्स. ऑक्सीडोरिडक्टेजिस एज द नेम शोज कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है इसमें. ऐसे रिएक्शन हैं जिनमें ऑक्सीडेशन होती है या रिडक्शन होती है.
उन रिएक्शन में जो एंजाइम यूज हो रहे हैं दोज आर कॉल्ड रेडॉक्स एंजाइम एंड ऑक्सीडोडिकेसेस। अब उनको सब क्लासीफाई किया गया है एंजाइम्स को कि वो ऑक्सीडेजेस हैं, डिहाइड्रोजनेजेस हैं, हाइड्रोकार्बोक्सीडेजेस हैं और देन ऑक्सीजनेजेस। अब एक इसमें एब्रिविएशन है जो इनकी जो सब क्लासेस हैं एंजाइम्स के ऑक्सीडोडिकेसेस जो हैं उसके लिए है एक फूड HOOD। तो इसमें हाइड्रोकार्बोक्सीडेजेस H से फिर O से ऑक्सीडेजेस देन अगेन O से ऑक्सीजनेजेस और डी से हाइड्रोजनेजेस। इन इस तरह इसको याद रखने के लिए एक एब्रिविएशन से है दैट इज कॉल्ड HOOD। ये बुक में नहीं है लेकिन ये इस तरह ये मैंने किसी दूसरी बुक से देख कर तो इसकी ये एक जो क्लासिफिकेशन है उसको याद करने के लिए एक छोटी सी एब्रिविएशन है जो इसके साथ फिर मैंने लिख दी। देन द नेक्स्ट जो क्लास है इसमें एंजाइम्स को डिवाइड किया गया दैट इज कॉल्ड ट्रांसफरेजेस। अब ट्रांसफरेजेस में ये होगा कि ट्रांसफर से ट्रांसफरेजेस ये एंजाइम जैसे हैं जो कि कोई फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल जिससे वो ट्रांसफर कर रहे हैं दैट इज द डोनर और जिसको वो फंक्शनल ग्रुप से ट्रांसफर कर रहे हैं दैट इज एक्सेप्टर। तो ट्रांसफरेजेस इस तरह एंजाइम होंगे जो ट्रांसफर करेंगे किसी फंक्शनल ग्रुप को और इस तरह से रिएक्शन को कंडक्ट कराए। दे आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। अब ट्रांसफरेजेस में भी कुछ सब टाइप्स हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स को वो ट्रांसफर करवाते हैं। वो ट्रांसमिनेसिस भी हैं, फास्फोट्रांसफरेजेस हैं, ट्रांसमेथेलेसिस हैं, ट्रांसपेप्टाइडेसिस हैं एंड ट्रांस एसेलेसिस। ट्रांसएमिनेसिस व्हाट आर ट्रांसएमिनेसिस। अब इसमें नाम से जो है ये समझ आ रहा है कि ट्रांसएमिनेसिस के अमाइनो ग्रुप है जिसको ट्रांसफर करवा रहे हैं NH2 ग्रुप पर ट्रांसफर करवाते हैं। अब दो कंपोनेंट्स हैं फॉर एग्जांपल एक अमाइनो एसिड है और एक कीटो एसिड है। अब जिससे वो ट्रांसफर करवा रहे हैं अमाइनो ग्रुप को वो अमाइनो एसिड है जिसको वो ट्रांसफर कर रहे हैं जैसे कीटो एसिड। अब जब रिएक्शन कम्प्लीट होगा तो जो अमाइनो एसिड है वो कीटो एसिड बन चुका होगा और वो जो कीटो एसिड है वो अमीनो एसिड बन चुका होगा। अब ये मुख्य अमीनो एसिड हैं कि एक अमाइनो एसिड से दूसरे अमाइनो एसिड में चेंज हो जाते हैं और एक जो कीटो एसिड है वो फिर कोई और दूसरे कीटो एसिड में चेंज हो जाता है। तो कीटो एसिड जो है वो बिकम द अमाइनो एसिड एंड अमाइनो एसिड बिकम द कीटो एसिड। एग्जाम्पल्स में फॉर एग्जाम्पल ग्लूटामिक एसिड है और ऑक्सैलिसिलिक एसिड है वो दोनों रिएक्शन करते हैं तो वो GOT एंजाइम है जो उस रिएक्शन को कैटलाइज कर रिवर्सिबल रिएक्शन है उसको कैटलाइज करवाता है और वो अल्फा की ग्लूटामिक एसिड में चेंज हो रहा है और प्लस एस्पार्टिक एसिड बन रहा है। अब ये इसके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूटामिक एसिड एक अमीनो एसिड है और ऑक्सैलिसिलिक एसिड जो है वो एक कीटो एसिड है और जैसे प्रोडक्ट्स बन रही हैं अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। अब अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड अब कीटो एसिड बन गया और एस्पार्टिक एसिड अमीनो एसिड बन गया। इसमें कि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड में चेंज हो गया और एक कीटो एसिड है वो दूसरे कीटो एसिड में चेंज हो गया। और इसमें जब एक और एग्जाम्पल है जिसमें ग्लूटामिक एसिड एल्फाइलिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है और इसमें जो एंजाइम है GPT और इसमें जो कीटो एसिड बन रहा है वो सेम ही है अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड और जो अमाइनो एसिड है वो बन रहा है एलामिन। GOT इज ऑल्सो कॉल्ड AST जो टुडेज इसकी क्लासिफिकेशन है जिसमें इसका इसको नाम दिया जाता है दैट इज एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज और GPT इज ऑल्सो कॉल्ड ALT। कीटो एसिड जिनको ऑक्सो एसिड भी कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी होता है और कीटोनिक ग्रुप भी होता है और इसके एग्जाम्पल्स हैं फॉर एग्जाम्पल पाइरिक एसिड है ऑक्सैलिसिलिक एसिड है एंड अल्फा कीटो ग्लूटामिक। नेक्स्ट जो सब क्लास है ट्रांसफरेजेस की डेट इज कॉल्ड फास्फोट्रांसफरेजेस। फास्फोट्रांसफरेजेस को काइनेजेस भी कहते हैं। तो जिस तरह नाम से है पता चल रहा है कि फास्फोट्रांसफरेजेस फास्फेट ग्रुप को ही ट्रांसफर करेंगे। तो ये ऐसे एंजाइम है जो कि फास्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम सब्सट्रेट टू एनी अदर प्रोडक्ट। एग्जाम्पल में है कि ग्लूकोज और ATP के साथ रिएक्शन कर रहा है और इसमें एंजाइम है हेक्सोकाइनेज और जो
प्रोडक्ट बन रही है दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड एडीपी. अब हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम एटीपी टू ग्लूकोज. नेक्स्ट एग्जांपल में क्रिएटिन काइनेज है, क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज है जो कि क्रिएटिन को एक फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर कर रहा है और वो क्रिएटिन फॉस्फेट बन जाता है उसके प्रोडक्ट और एडीपी बनता है. तो इन दोनों जो है एग्जाम्पल्स में फॉस्फेट ग्रुप की ट्रांसफर्स जो है वो बताएगी एटीपी से. और एंजाइम्स हैं हेक्सोकाइनेज और क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज जो कि रिएक्शन करवाती हैं और फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करती हैं. अगर ट्रांसमेथलेसिस में मिथाइल ग्रुप की ट्रांसफर कर रही है एंड ऐसे जो एंजाइम्स हैं जो कि मिथाइल ग्रुप की ट्रांसफर को मेटाबोलाइज कर रहे हैं दो प्रकार ट्रांसमेथलेसिस. अगर एग्जांपल है कि नॉन एड्रेनालिन और मिथाइल ग्रुप के साथ उसका अटैच होगा और वो चेंज हो जाएगा एड्रेनालिन. अब मिथाइल ग्रुप कहाँ से आ रहा है? मिथाइल ग्रुप कुछ डोनर होते हैं, ऐसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मिथाइल ग्रुप को डोनेट करते हैं. अब एक एग्जाम्पल है सैम एस एडिनोसाइल मिथाइलिन. अब ये एक जो है सब्सटेंस ये मिथाइल ग्रुप डोनर है और ये किसी भी रिएक्शन में मिथाइल ग्रुप डोनेट करेगा. अब इसमें नॉन एड्रेनालिन है उसको अगर मिथाइल ग्रुप उसके साथ रिएक्शन कर रहा है मिथाइल ग्रुप जो है उसके साथ अटैच हुआ है तो वो अपने प्रोडक्ट में चेंज हो गया एड्रेनालिन में. तो ये वैसे जो रिएक्शन है इनको कैटलाइज करवाने के लिए होते हैं जिनको कहते हैं ट्रांसमेथलेसिस. देन द ट्रांसपेप्टाइडेसिस. ट्रांसपेप्टाइडेसिस की जो है क्लासिफिकेशन में अब है ट्रांसपेप्टाइडेसिस. ट्रांसपेप्टाइडेसिस में एज अ नेम शोज इसमें कुछ पेप्टाइड्स हैं जो कि ट्रांसफर हो रही हैं और अमाइनो एसिड्स हैं ऐसे एंजाइम्स जो कि इनकी जो है ट्रांसफरेंस को कैटलाइज कर रहे हैं दोज आर कॉल्ड ट्रांसपेप्टाइडेसिस. अब एग्जाम्पल है बेंजोइल को ई ग्लाइसिन के साथ रिएक्शन होगा इसका और ये प्रोडक्ट में चेंज होगा बेंजोइल ग्लाइसिन और को ये जो है अदा कर जाएगा बेंजोइल ग्लाइसिन को हाइड्रोलिक एसिड भी कहते हैं. अब ये रिएक्शन को कैटलाइज करवा रहे हैं इसमें एक पेप्टाइड जो है ये उसका ट्रांसफर हो रहा है. तो यहाँ पे जो एंजाइम कैटलाइज करेगा इस रिएक्शन को दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेप्टाइडेज. नेक्स्ट इज द ट्रांस एसाइलेज. एसाइल ग्रुप की ट्रांसफर जो करवाएंगे रिएक्शंस उनको हम एंजाइम को कहेंगे ट्रांस एसाइलेज. दे कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ एसाइल ग्रुप. एग्जांपल एसिटाइल कोए प्लस कोलिन. एसिटाइल कोलिन बन गया कोए सेपरेट हो गया. अब इस रिएक्शन को जिस एंजाइम ने कैटलाइज करवाया वो ट्रांस एसाइलेज है एंड दैट इज कॉल्ड कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज. इसमें कोई एसाइल ग्रुप है जिसको ट्रांसफर करवाया है therefore it is called transacylase. Next class enzymes का that is hydrolases. Transferases की जितनी सब क्लासेज जो कम्प्लीट हो गई हैं अब है नेक्स्ट जो क्लास है एंजाइम्स का दैट इज hydrolases. Hydrolases में भी जैसे नाम से पता चलता है hydrolases hydrolysis हो रही है ऐसे रिएक्शन जिसमें hydrolysis होता है उनमें जो एंजाइम यूज हो रहे हैं. तो इनमें होता है कि जो सब्सट्रेट है उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा और वो रिएक्शन कंप्लीट होता है उससे वो उसमें अपना ओ एच ग्रुप दे रहे हैं हाइड्रोजन दे रहा है तो इस तरह से वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं. अब इसमें भी बहुत से सब ग्रुप्स हैं हाइड्रोलाइसिस के जिसमें प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स हैं कार्बोहाइड्रेजेस हैं लिपिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स हैं डीएमिलेसेस एंड एस्टर हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स. अब जैसा रिएक्शन है वैसे ही उसमें एंजाइम रिएक्ट करेगा और उसमें एंजाइम के साथ एक वो रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा और वो फिर हाइड्रोलिसिस होगा और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगा और अगर वो प्रोटीन है सब्सट्रेट वो प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइसिस हैं सिमिलरली हैं लिपिड्स के लिए और अमीन्स के लिए एमाइड्स के लिए इस तरह वो एंजाइम्स होंगे उनके अकॉर्डिंग. नेक्स्ट क्लास एंजाइम्स की दैट इज लाइएसिस. दीज एंजाइम्स फॉर्म डबल बॉन्ड बाय ब्रेकिंग कार्बन 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 ऑक्सीजन एंड कार्बन नाइट्रोजन लिंकेजेस. ये एंजाइम्स हैं कि कुछ इसमें लिंकेजेस ब्रेक होती हैं और कुछ जो हैं बॉन्ड दोबारा नए बन जाते हैं.
आप दो एग्जांपल्स हैं इसमें, फ्यूमैरिक एसिड वाटर के साथ एक्ट कर रहा है और फ्यूमैरेज एंजाइम इस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है और मैलिक एसिड में चेंज हो रहा है। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है जो कि इस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है और कार्बोनिक एसिड बन रहा है। अब इन दोनों में रिएक्शन में कुछ एंजाइम्स जो हैं इसमें कुछ बॉन्ड्स जो हैं ब्रेक हो रहे हैं और कुछ नए बॉन्ड्स जो हैं वो बन जाते हैं, तो नए कंपाउंड्स बन जाते हैं, सब्सट्रेट जो है वो अपने प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं कि कुछ बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और कुछ नए बॉन्ड्स बन रहे हैं। बेसिकली वो बॉन्ड्स जो ब्रेक हो रहे हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो कार्बन कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन है और कार्बन नाइट्रोजन लिंकेज है, वो जो ब्रेक हो रही है और नए डबल बॉन्ड्स जो बन जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्लास एंजाइम्स का दैट इज आइसोमेरेज़। अब आइसोमेरेज़ में ये होते हैं ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि ऐसे रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं जिसमें आइसोमर्स बनते हैं, तो सब्सट्रेट भी और प्रोडक्ट भी वो दोनों ही जो होते हैं वो आइसोमर होते हैं एक दूसरे के, तो उन रिएक्शंस को जो कैटलाइज करेगा वो डेट इज आइसोमेरेज़। अब दीज एंजाइम्स कैटलाइज स्ट्रक्चरल चेंजेस विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल बाय द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स विद इन इट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एन आइसोमेरिक फॉर्म। और सब बेसिकली वो जो एक सब्सट्रेट है उसका ही स्ट्रक्चर कुछ चेंज करते हैं ऐसे एंजाइम्स, और उसमें कोई ऐड नहीं करते या उसमें से कोई रिमूव नहीं करते कोई पार्ट उसमें से, बल्कि वो उसी जो सब्सट्रेट है उसको इंफ्रा मोलेकुलरली इसमें स्पेसिफिक फंक्शन ग्रुप्स की ट्रांसफ़र होती है उसी स्ट्रक्चर के अंदर ही, और वो भी प्रोडक्ट में उसको चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, यहाँ पर एंजाइम है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। अभी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये आइसोमर्स हैं, तो एक ही मॉलिक्यूल में उसमें चेंज हो रहा है, उसमें कोई और मॉलिक्यूल ऐड नहीं हो रहा, कोई उसमें से रिमूव नहीं हो रहा कुछ भी पार्ट, सिर्फ जो है उसका वो फंक्शन ग्रुप है वो उसी मॉलिक्यूल के अंदर ही वो चेंज हो जाता है। तो इस रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं तो उन एंजाइम्स को हम कहते हैं आइसोमेरेज़। नेक्स्ट जो क्लास एंजाइम्स की डेट इज लाइगेजेस। अब लाइगेजेस ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि कंडेंसेशन रिएक्शंस को कैटलाइज करवाते हैं। एंजाइम्स कैटलाइज द कंडेंसेशन रिएक्शंस जो दो कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो उसमें उनकी बॉन्डिंग होती है बाय फॉर्मिंग डिफरेंट बॉन्ड्स, फॉर एग्जाम्पल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा या सी एस बॉन्ड है, सी एन सी सी बॉन्ड, और इसके साथ एनर्जी रिलीज होती है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो रहा है या कोई क्लीवेज हो रहा है हाई एनर्जी फॉस्फेट एटीपी, तो उससे एनर्जी भी बनेगी और साथ जो है कंडेंसेशन रिएक्शन होगा तो उसको कैटलाइज करवाते हैं। ऐसे एंजाइम्स में कहते हैं लाइगेजेस। एग्जांपल है सक्सेनिक एसिड और कोए के साथ रिएक्शन कर रहा है, साथ उसमें जीटीपी भी है इस रिएक्शन में, तो सक्सेनाइल कोए बन रहा है जीटीपी बन रहा है। इसमें जो एंजाइम है सक्सीनेट थायोकाइनेज विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड सक्सीनाइल कोए सिंथेटेज, तो इस रिएक्शन को वो ऐसे कैटलाइज करवाते हैं डेट इज लाइगेज। क्योंकि सक्सीनिक एसिड था तो वो उसने कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ उसमें जो सक्सीनाइल कोए बन गया, तो सिमिलरली एसिटाइल एस कोए तो वो भी चेंज हो गया मेलोनाइल एस कोए, यानी जो उसका प्रोडक्ट है वो बन गया ये। इसमें जो एंजाइम है डेट इज एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, तो इन रिएक्शंस को हम जो एंजाइम्स होते हैं इनको हम कहते हैं लाइक।